हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो हम आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमने पीछे पीरियड में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम आज पढ़ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। एक तो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पहचानना पड़ेगा न्यूमेरिकल निकालते वक्त, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। दूसरा जो होगा हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं और क्या होगा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको मैं फाई ई लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यहाँ से बता सकते हो आप में से कोई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम यहाँ से होगी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेकर चलेंगे हम, और उसमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है किसी भी सर्फे। तो हम यहाँ से एक 3D सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसमें हम एक बॉडी लेके चलेंगे, ये हमने कोई 3D बॉडी ले ली। इसके ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वो है हमारा ई नोट आई कैप। हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो ई नोट आई कैप हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि मैं जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करता हूँ, भाई मैं यहाँ, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना शुरू हो रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ इधर चल यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो चेंज हो जाएगी एक्स के चेंज होने से। तो यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस फेस की, इस बॉडी के ऑपर अप्लाई किया। हम तो चेक करना चाहते हैं कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इस बॉडी के अंदर से निकलेगी, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बॉडी पर कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इस क्लोज्ड बॉडी के ऊपर निकालना है। कैसी बॉडी है? क्लोज्ड बॉडी है, या क्लोज सरफेस भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्लोज्ड बॉडी, सरफेस बॉडी हमने लेके चले हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो ये पहला फेस हम मान लेते हैं, फर्स्ट फेस, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन फर्स्ट फेस निकालना है हमने। तो फर्स्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट एरिया वैक्टर। अच्छा, ये इस फेस के ऊपर एरिया वैक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवार्ड, मैंने बताया था कल आपको, तो आउटवार्ड जो है डायरेक्शन होगी इसकी एरिया वेक्टर की। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी होगी, देखो ए डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है ई का मैग्नीट्यूड, तो ई का मैग्नीट्यूड होगा ई नोट कैप आई कैप, हट जाएगा क्योंकि वेक्टर हट जाता है, तो यहाँ से डायरेक्शन हट जाएगी, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से जो मैं क्यूब लेके चल रहा हूँ इसका जो साइड है, लेंथ ए, ब्रेथ ए, हाइट ए, सब कुछ हम ए लेके चले, क्यूब लेके चले यहाँ से, तो इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वेयर होगा साथ में कोस 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है देखो ए का ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कोस 180, यही होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। कोस 180 क्यों लेके चले, क्योंकि ए के और ई के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो फाई वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ई नोट ए स्क्वेयर, और माइनस आ जाएगा, कोस 180 वैल्यू होती है -1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। दूसरी चीज, इस वाले फेस, ये सेकंड फेस जो है इधर का, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा सभी, फाई टू की वैल्यू क्या आएगी, ई डॉट ए फाई टू, ई की वैल्यू देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह सेम रहेगी, यहाँ तक सेम रहेगी, यहाँ तक कहीं तक भी आप दूर तक जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई नोट ए स्क्वेयर कोस 0 डिग्री, तो फाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, ई नोट ए स्क्वायर।
अब ये वाला फेस लेके जा रहा हूँ, थर्ड फेस लेके चल रहा हूँ, इसमें एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ई के और यहाँ से ई के और ए के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो फाई थ्री की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट ए, फाई थ्री क्या आ जाएगा यहाँ से, ई नॉट ए स्क्वेयर और कोस 90, क्योंकि ए के और ई के बीच में 90 डिग्री एंगल है, फाई थ्री की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। ऐसे ही जो नीचे वाला फेस है फोर्थ फेस, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ से फाई फोर की वैल्यू भी 0। अब ये जो पीछे वाला फेस है सिक्स, पीछे वाला फेस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी 0 रहेगी। अब ये सामने वाला फेस है जो फिफ्थ फेस, में सामने वाले फेस की बात कर रहा हूँ, सबसे सामने वाले फेस की, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 0। तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई फोर, फाई फाइव और फाई सिक्स, सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ से माइनस ई नोट ए स्क्वेयर, ई नोट ए स्क्वेयर, 0 0 0 और प्लस 0, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0। तो फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा और इन क्लोज सरफेस में हमेशा 0 होगा। कब, अभी इसकी कंडीशन लिखता हूँ मैं, देखिएगा कंडीशन क्या है कि हमने यहाँ से पढ़ा, सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। दूसरा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड द सरफेस इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरी बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। ये दो केस हमारे होने चाहिए, हमेशा उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा। क्या केस, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यानी कि इस फेस तक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले फेस के लिए उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले फेस के लिए उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले फेस के लिए भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे वाले के लिए भी, सबके लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा, 0 आएगा और ए इनक्लोज सरफेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यहाँ पर केस पढ़ा। दूसरा जो केस है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो हम यहाँ से लेके चलेंगे, दूसरा जो केस है हमारा वो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही हमने एक 3D सिस्टम ले लिया, इसमें हम एक क्यूब ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमने इसमें एक क्यूब ले लिया, हमने क्यूब ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a लेके चल रहा हूँ मैं, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो भी हम a लेके चल रहे हैं, यानी कि ये डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a ले रहा हूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से अप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है ई नोट एक्स आई कैप। तो यहाँ से देखिए x इस इलेक्ट्रिक फील्ड में e नोट एक कांस्टेंट है, इसके साथ साथ x भी आ रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x के अकॉर्डिंग अलोंग चेंज होता चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ और होगा, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चेंज होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चेंज होगा, तो ये आपके पास ए, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम सारी सेम मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेस है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन फर्स्ट फेस, तो ई डॉट ए, अच्छा ए की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से आपके पास फाई ई कितना आ जाएगा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा, ई का यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूँगा, तो ई का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताना, ई नोट एक्स की वैल्यू यहाँ पर इस फेस में निकालो, एक्स के लिए यहाँ पर कितनी है ए, अच्छा एरिया कितना होगा इस वाले फेस का, ए स्क्वेयर और कोस 180,
तो फाई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोट ए क्यूब माइनस फाई टू, यानी कि इस वाले फेस से मैं इलेक्ट्रिक, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, तो यहां से देखे ना ध्यान से, ई नोट ए वेक्टर, तो ई नोट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए की वैल्यू यहां तक कितनी हो चुकी, एक्स की वैल्यू यहां तक कितनी हो चुकी है, ए, और यहां ए, तो क्या आ जाएगा, टू ए लिखोगे यहां पर एक्स की जगह, मैग्नीट्यूड लेके जाओ तो आई कैप नहीं आएगा, ए क्या, ए स्क्वायर कोस जीरो डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई नोट टू ए क्यूब, ठीक है। और आप सभी को पता है तीसरे चौथे पांचवे और छठे फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जीरो, फाइव पे भी जीरो, सिक्स पे भी जीरो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई फोर, फाई फाइव और फाई सिक्स, तो यहाँ से माइनस ई नोट ए क्यूब, टू ई नोट ए क्यूब, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ से ई नोट ए क्यूब इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आ गया। तो यानी कि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो, वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर इस बॉडी के अंदर चार्ज होता तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, उसका भी हम एक एग्जांपल यहाँ पर करेंगे, जिससे शुरुआत होगी हमारी गॉस थ्योरम की। ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज लेके चल, एक मैं स्पेरिकल बॉडी लेके चल रहा हूँ, होलो स्पेरिकल बॉडी मान ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से एक होलो स्पेरिकल बॉडी हमने ले ली, होलो स्पेरिकल बॉडी ही लेके चलना, जिसकी रेडियस आर लेके चल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपको पता ही, बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की डायरेक्शन में निकलता रहता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज रहती है। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की साइड निकल रही है, बाहर की साइड बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है। तो मैं कहता हूँ इस स्पेरिकल बॉडी के अंदर से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है, स्पेरिकल बॉडी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमने यहाँ पर निकालना है स्पेरिकल बॉडी। वो बीच में चार्ज है, चार्ज के अंदर से क्या निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जो किस में से होके निकल रही है, इस स्पेरिकल बॉडी के अंदर से। तो स्पेरिकल बॉडी के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल के जा रही है वो निकालना। तो इस पूरे को नहीं निकालते, हम क्या कर लेते हैं, इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, स्मॉल एरिया, इस स्पेरिकल बॉडी का स्मॉल एरिया ले लेते हैं ds। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस स्मॉल का ds हमने एरिया लिया था, तो इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो भी हमारा उसी डायरेक्शन में जिधर एरिया वेक्टर है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया, तो कितना आ जाएगा, E डॉट ds, ठीक है। तो यहां से देखिए d phi, E की वैल्यू कितनी होगी, तो E पहले एक काम करते हैं, इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε₀ चार्ज कितना q अपॉन में किस डिस्टेंस पर निकाल रहे हो, r डिस्टेंस पर निकाल, तो r स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे हमें मिल गया। तो अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है e का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड, और cos 0 डिग्री होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ds भी इधर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/4πε₀ q अपॉन r स्क्वायर ds, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकल के आ गया कि इस चार्ज की वजह से इस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसके अंदर से निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्मॉल सरफेस एरिया के लिए, हमने तो पूरे स्पेरिकल बॉडी के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही है जब बीच में ये चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इस पूरी बॉडी के अंदर से निकल रही है वो हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी बॉडी के अंदर निकालना, तो क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इसका
इंटीग्रेशन, तो 1/4πε0r² ds का इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है। अच्छा तो यहां से क्या आ गया, ध्यान दीजिए, d phi का इंटीग्रेशन यानी कंप्लीट, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल तो phi हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 1/4πε0qr². अच्छा ds किसका हिस्सा है, इस स्फेरिकल बॉडी का छोटा सा हिस्सा है, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो स्फेरिकल बॉडी का पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा, तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट एरिया, तो यहां से स्फेरिकल बॉडी का एरिया 4πr² होता है, तो पाई ही कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकालना था वो हमारा q/q / एप्साइलेंट नोट बच गया, एप्साइलेंट नोट। मैंने कहा था कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है, इनक्लोज एक चार्ज है उसके अंदर, उस बॉडी के पास चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, q/q / एप्साइलेंट नोट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तीन चीजें हमने यहां से आज पढ़ी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एक क्लोज सरफेस अप्लाई किया, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एक क्लोज सरफेस अप्लाई किया, और फिर हमने एक बॉडी के अंदर चार टोटल चार्ज लेके चले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाला उस पूरी बॉडी के ऊपर, तो हमारा ये आया, और यही हमारी गॉस थ्योरम कहलाएगी, यही हमारी गॉस थ्योरम कहलाएगी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और फिर उसके उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके, गुड डे, और सब्सक्राइब कीजिएगा आपका अपना चैनल द फिजिक्स क्लासेस। ओके, बाय।